शंकर भगवान की देवी माता की चंदनम बंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम अपदाहरते नित्यं लक्ष्मी बरसतु सर्वदा। चंदन जो जिसको लाट में है वह वंदनीय आदमी है, पूजनीय आदमी है और उसके यहाँ कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। तिलक लगा के जो है शुरुआत किया जा रहा है चुनाव का। देखिए बाबा ने बहुत अच्छी बात बोला, युवाओं की बात क्यों लेकर हम आगे आए हैं, बुजुर्गों की बात लेकर आए हैं, किसानों की बात लेकर आए हैं। बाबा तिलक लगा के बताना चाहते हैं कि इन्होंने तिलक हमारा लगा दिया, माने ये पूर्ण आश्वस्त है कि हम विधानसभा तक पहुंच जाएंगे इनके आशीर्वाद। और देखने से भी लगता है जो पूर्व के विधायक पार्टी बदले या उनका जो भी 5 साल में क्रियाकलाप रहा है, जो भी उन्होंने काम किया है, उससे जनता कहीं भी खुश नहीं। तभी तो लोग हम देखिए यहाँ आए हैं, सब लोग सुनाने आए हैं कि अभी इस गांव में ये काम नहीं है वो काम, खास करके काव गांव में हम आए, इस काव गांव में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप ऐसा है तो आप ग्रामीणों से पूछ सकते, हम क्या बोले ग्रामीण बताएंगे, ग्रामीण लोग से पूछते कि काव गांव में पूर्व के प्रत्याशी, पूर्व के जो भी सांसद और विधायक रहे हैं उन्होंने क्या काम किया, जबकि बहुत बड़ा गाँव है ये गाँव, पूरा पालीगंज में एक आदर्श ग्राम है, यह बहुत ही आदर्श ग्राम है। शंकर भगवान की देवी माता की, सब लोग नौजवान लोग रसे रसे बोले था बुझाई था। ये बताइए बाबा से ही यहाँ पूछते हैं, तिलक लगा करके शुरुआत कर रहे हैं तो तिलक लगाया क्यों जाता है ये बताइए, क्या इसका महत्व है? चंदनम बंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम अपदाहरते नित्यं लक्ष्मी बरसतु सर्वदा। चंदन जो जिसको लाट में है वह वंदनीय आदमी है, पूजनीय आदमी है और उसके यहाँ कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। तो आपने वही तिलक लगा के इसकी शुरुआत कर दी है? हाँ तिलक लगा दिए, हाँ तिलक लगा दिए। नौजवान जो हमारे इनके साथ है आए हैं उनका अब कर्तव्य बनता है कि इनको अपना मत देकर आगे बढ़ाए। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देखिए यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ये बताइए कि आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी है, आपका उम्र कितना हो रहा है? 56। 56 वर्ष हो रहा है, तो काव गांव के ही निवासी आप हैं? जी हाँ। तो यहाँ क्या लगता है क्या विकास नहीं हुआ, और पहले जो विधायक थे वो क्या क्या यहाँ पे काम किए हैं क्या नहीं किए? वो लोग अपना वोट के लिए आते हैं, विकास के काम पर कोई यहाँ ध्यान नहीं देता है। हाँ। समझे ना, आज गांव के तरफ देखे रहे मेन रोड मेरा है, ये मेन रोड से जुड़ा हुआ है NH 49 से, यहाँ वहाँ पूरा कबरा हुआ है, आज तक बना नहीं। हम लोग तो अप्लीकेशन भी दिए हुए हैं लेकिन आज तक ले इसको कोई देख दिखाव रख रखाव कोई नहीं कर रहा है। नेता कहाँ देखता है, वोट के समय आता है वोट लेके जाता है, उसके बाद तो नजर नहीं आते हैं लोग, विकास के काम यहाँ नहीं हो पाता है। इस रंजन कैसे लग रहे हैं आपको प्रत्याशी? इस रंजन जी तो घर के नेता है, बहुत अच्छा नेता है, ये रहे हमारे बीच में तो हम लोगों के लिए बहुत भाग की बात है। आते जाते रहते हैं गाँव में, घर ही के ये हैं तब आते हैं रेगुलर की पटने में रहते हैं? ना ना आते जाते हैं, आते जाते हैं। हाँ अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र शर्मा है। अच्छा तो ये बताइए कैसा प्रत्याशी चाहते हैं अपने क्षेत्र में? हम लोग प्रत्याशी चाहते हैं जो 5 वर्ष में हमेशा आवे, 4 महीना पर हमको दर्शन देते जाए। आके दर्शन देके चल जाएंगे तब तो ईश्वर वाला चीज हो गया, दर्शन कर लिया होगा। और कुछ विकास का काम करे, ऐसे क्या होना चाहिए विकास का कार्य? विकास का काम तो हमारे यहाँ हाई स्कूल का हाल है, उद्घाटन हुआ है। हाँ। अब हाई स्कूल का बिल्डिंग बन जाना चाहिए। हाँ। कि रोड जो है तो खराब है, रोड बन जाना चाहिए। हॉस्पिटल है आसपास? हॉस्पिटल है लेकिन जर्जरे अवस्था में है, उसको बढ़िया से बनना चाहिए। नहीं है ना, विधायक जी को कभी नहीं बोले जो पहले? कभी जाएबे नहीं किए, कभी वेट नहीं करते हैं। बताइए 5 साल जयवर्धन जी जीत के गए, आज तक गाँव में कभी झांकी मारबे नहीं किए? नहीं मारे, कभी नहीं, कभी नहीं। चलिए मतलब तो प्रत्याशी राकेश रंजन ठीक लग रहे हैं? हाँ राकेश जी तो अच्छे आदमी हैं, घर के नेता हैं, बगल के हैं, हम लोग अच्छा है, अच्छा अच्छा नेता। चलिए और भी लोग विधानसभा में आता है तो यहाँ इंजीनियर राकेश रंजन जी के लिए आए हैं। जी जी हाँ, देखने के लिए, सुनने के लिए, सुनने के लिए, और इनका तहे दिल से हम लोग साथ करेंगे, साथ देंगे और इनको विधानसभा पहुँचाएंगे। अच्छा तो ये बताइए कि अभी जो यहाँ विधायक हैं वो क्या काम किए हैं, जो उनसे नाराज हैं क्या आप लोग? तक विधायक तो 5 साल होने को है और हम तो आज तक देखे नहीं उनको,
पालीगंज विधानसभा में आज तक उनको देखे नहीं है, न मेरे गांव में कभी आए हैं, वो दरियापुर गांव में भी नहीं आए हैं। और ये तो अपने मौसम की तरह आते हैं, जैसे जब विधानसभा शुरू होता है तो नेता लोग आ रहे हैं, और ऐसी बच्चा यादव के आज तक हम नहीं देखे पालीगंज क्षेत्र में घूमते हुए, अच्छा, जनता की समस्याओं को सुनते हुए। आप बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? विमल कुमार जी। आप यही इसी गांव के हैं? ना, हम जलपुरा पालीगंज विधानसभा, पालीगंज विधानसभा में ही आता है। हाँ, सब लोग इंजीनियर राकेश रंजन का सपोर्ट करने आए हैं। हाँ, हम पालीगंज कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, इनका नाम भेजे हैं, अगर गठबंधन से टिकट मिलेगा तो ठीक है, न भी मिलेगा तो वो हम लोग इनको मदद करेंगे। लड़ाइएगा निर्दलीय? हाँ, लड़ेंगे तो मदद करेंगे, सपोर्ट कीजिएगा सब लोग करेंगे। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो ये बताइए, यहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है कुछ भी? ना, विकास कार्य हल्का फुल्का हो, बाकी नेताजी तो बदल ना जाए था, कभी यूनाइटेड कभी राजद, राजद से अंतिम समय में यूनाइटेड में चले गए, विकास भी न किए बच्चा जी कभी। अभी नीतीश कुमार की सरकार है, क्या कहेंगे, कैसा है सरकार? सरकार ठीक ठाक ना है। कैसे? किसान के लिए एकदम ठीक ना है, किसान मजदूर के लिए एकदम ठीक की सरकार गड़बड़ है। चलिए आइए यहाँ एक और। बिहार में लालू जी तो हम लोग को भूमिहार को ऐसा किए थे, हाँ, कि पूछ मान लें, वो करते थे, बोलते थे, करते थे कम। हाँ, लेकिन नीतीश तो ऐसा आए हैं कि से हमने का ऐसा सिंह मारे हैं फॉरवर्ड को कि से उस सिंह चला न ठीक नहीं हो रहा है, मतलब अंदर घाव बन रहा है, समझे ना। तो कहने के मतलब नीतीश जी इस बार उनकी सरकार बदली होना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव इतना बड़ा बस्ती है जी, मैं गांव से किसी से पूछिए आज तक इतने बड़े बस्ती में क्या किसी ने किया, कोई भी सरकार, चाहे नीतीश हो चाहे लालू हो चाहे कोई हो, हमारी इतनी बड़ी बस्ती में हर एक आज सब चीज़ होना चाहिए था। ना अस्पताल है, हैं रामकृपाल जी हैं, रामकृपाल जी आते हैं, उनके जो कुछ हैं लोग ना उनके पीछे पीछे घूमते हैं, क्या किया उन्होंने। तो अब बीजेपी चाहे नीतीश सोच लें कि नीतीश जो है ना, हम लोग रिटायरमेंट की मैं बात बोल रहा हूँ, हमारा हक था ना जिले का, हैं वो क्यों बंद कर दिए, क्यों बंद कर दिए, किस अधिकार से पाने? तो हम अंग्रेज जैसा डिक्टेटर चला रहे हैं, समझे ना। आज लीकर बंद किए तो अमीर उससे छूट रहा है, गरीब जितना है जेल में, ये तो अफसर के तना सही बना दिया। अभी हाल फिलहाल में खबर आया था कि पुलिस वाले को गोली मार दिया शराब माफिया ने, पूरा पिटाई किया है, वायरल हुआ वीडियो पूरा। क्यों मारा प्रश्न रहता है, क्यों मारा पुलिस वाला उसको संरक्षण, जब हाईलाइट होता है तब लोग वहाँ जाता है, तो पिटाओगे ही। बात समझे ना। आज रह गया कि ये बीजेपी फॉरवर्ड सोचता है कि फॉरवर्ड हमारा बिकाऊ है, हम बिकाऊ नहीं है। नीतीश राव, सुशील कुमार मोदी दोनों जो है ना फॉरवर्ड के लिए दुश्मन है, सब बोलते हैं नीतीश कुमार, सुशील मोदी, तेजस्वी लालू यादव, वो तो खैर हमारे मतलब न की बात है, उसी दोनों से तो लाख दर्जे अच्छा वो है। अच्छा, बोलता हम अच्छा, इसलिए मैं मजबूरी में बोल रहा हूँ, विकल्प नहीं है, क्योंकि वो बोलता था ले एक्शन इतना नहीं करता था, आ इन्होंने तो सब कुछ कर दिया, क्या नहीं किया फॉरवर्ड के, क्या किया, ये तो सिविल में भी हम लोग कर रहे थे, तो सीपी ठाकुर थे बोले कि जो कि आज हम लोग कुछ जिंदा है, नीतीश ने क्या किया है? आज बोल रहे हैं किसान को क्या नीतीश दिया है, तो हमसे बात करें तो क्या दिए, धान के क्या बीज दे रहे। तो राकेश रंजन यहाँ से हैं, आपके प्रत्याशी हैं, आपके क्षेत्र से, इनको जिताइएगा, टिकट मिलेगा तो। हाँ जिताएंगे, हाँ जिताएंगे, ये काम, ये अब प्रश्न आता सरकार में, हम आप, मैं आपके पंडित हूँ, ये प्रश्न आया कि महागठबंधन किसी से है, हमारे बेटा तो है ना, हमारे अब मत ये है ना, हम इनके ऊपर दबाव बनाएंगे जी, इस बनाएंगे कि नहीं आप इसमें है, अब हमारे फेवर के बात कीजिए, आप नहीं कीजिएगा तो अगला फॉर्म ये। दूसरी पॉइंट ये है सर कि देखिए कोई भी हो, आए 5 साल में सरकार बदली होना चाहिए, 15 साल राज करिए, किसी क्यों छोड़ने में इनको क्या डर लग रहा है, हमें नीतीश से पूछ रहे हैं कि उनको क्या डर लग रहा है, मतलब कुर्सी उनकी पोपोती हो गया है,
तो जनता के क्या है, अभी नोट उनके पास है, जितने नोट फेंक रहे हैं जनता, मतलब हम जनता में बेकूफ है, जिसके कारण आज पूरे हिंदुस्तान में घुसी है घूमे, इस कारण ये लोग क्या है पैसे वाले हैं, जितने भी पार्टी कोई नेता हो सब पे, एक नरेंद्र मोदी है जो कि हिंदुस्तान को आज, मैं उसको गर्व से बोलता हूँ, बीजेपी में वही एक नेता है, बाकी इनको नहीं। बिहार में बताइए तेजस्वी यादव को लाइएगा मुख्यमंत्री, ये दोनों से तो देखिए सत्ता परिवर्तन करना है, मुझे अभी तेजस्वी या किसी से मतलब नहीं है, नीतीश हटाओ बिहार बचाओ, सुशील कुमार हटाओ, अगर सुशील कुमार के जगह पर दूसरा को भेजा, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।